उत्तराखंड में लोनी विधायक का नाम आने का विरोध शुरू हो गया है। वहीं विरोध को लेकर क्षेत्र में जातीय माहौल खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ने लगी हैं। सोशल मीडिया पर लगातार जातिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, जिसको लेकर पूर्व विधायक मदन भैया ने मामले को जातिगत माहौल खराब करने से बचाने के लिए अपने पैतृक गाँव जावली में एक सर्व समाज की बैठक बुलाई और इस बैठक की चर्चा की किस तरह जातिगत सौंदर्य को बनाए रखा जाए। मौजूद है जावली गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक मदन भैया, जिनसे हम बात करेंगे। सर, आज किसानों को समर्थन देने की बात जो बैठक की गई थी, जानने की बात की गई थी, सबसे पहले किसानों के मुद्दे की बात करते हैं। जो बैठक की बात, किसानों के मुद्दे पे एक्चुअली बैठक क्या है, हमने विशेष परिस्थितियों को देख करके कुछ लोगों ने एक जातीय तनाव पैदा करने का प्रयास किया, तो इसलिए मैं तत्काल आनन फानन में किसान के समर्थन में, तो हम पहले से थे लेकिन हमें ओपन खुला समर्थन की घोषणा करनी पड़ी। विधायक जी, जिस तरह दिल्ली पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की है, कंक्रीट की बैरिकेडिंग लगाई है, बड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है, 6 फरवरी को जिस तरह किसानों का एक जो बंद का आंदोलन किया गया था, क्या कहेंगे दिल्ली पुलिस के इस कार्यक्रम को? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है सरकार के इशारे पर और हम अपना काम करेंगे जनहित में, किसानों के समर्थन में। विधायक जी, जिस तरह से अब दिल्ली की जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई, चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई, क्या इसी को गोला लाठी लगाना कहते हैं? अब ये तो आप भी जानते हैं, गोला लाठी बेशक लगाए लेकिन जो तगड़ा पहलवान हो गोला लाठी से भी निकल जाता है, तो किसान जो तगड़े पहलवान है। अब बैरिकेडिंग की सूचनाएं आज आई हैं और एम्बुलेंस वगैरह की तो मेरे ख्याल में उस साइड में जो है दूसरे जो बॉर्डर हैं हरियाणा से लगते उधर हैं, इधर तो मेरे ख्याल में व्यवस्था है अभी तक तो ठीक है, और जो होगी तो मतलब जो है एम्बुलेंस भी अपनी करे जाएंगे, ट्रैक्टरों में भी एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक मदन भैया, जिन्होंने कहा है कि जो किसानों को वैकल्पिक यानी कि कहा जा सकता कि समर्थन पहले से ही था लेकिन अब उसको एक जो बैठक की गई थी लोगों को उनके जरिए से उस पर मोहर लगाई गई है, अब कुछ दिन में जब व्यवस्था होगी तो गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे और किसानों को समर्थन के लिए बड़े समर्थकों के साथ पहुंचेंगे। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद।